मौन सत्याग्रह एक्चुअल में होता क्या है, हमारे जो महात्मा गांधी जी, ठीक है, आपने सुना होगा बापू बोलते हैं हम, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, हमें हिंसा नहीं करना है, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। आज आप जंतर मंतर में जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आंदोलन नहीं हो रही, यहाँ कोई नारेबाजी नहीं लग रही है, ये सत्याग्रह के शांति के साथ मोदी जी से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। काफी सारे लोग आए हुए हैं, किसान के नेता आए हुए हैं, वहाँ पूरे सैनिक लोगों का बैठा हुआ है, सेवा दल आए हुए हैं, कांग्रेस के काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनका सिर्फ एक ही सवाल है, मोदी जी मुंह खोलिए, हम आपके साथ सत्याग्रह पे हम बैठे, हम चुप हो जाते हैं, आप मुंह खोलिए, देश के लिए कुछ तो बोलिए, देश के मुद्दे के लिए कुछ तो आवाज उठाइए। हम आज सांसद से माइक म्यूट कर दिया जाता है, बोलने से मन बंद कर दिया जाता है, तो आज हम बैठ गए हैं सर, हम बैठ गए हैं आज। कौन से मुद्दे हैं जिन पर जो प्रधानमंत्री मौन है? सबसे बड़ी मुद्दा तो सर मणिपुर का है, आप देखिए सर, दिल दहलाने वाली हादसा, आप किसी महिला के आबरू को, उसके रूह को आपने इस तरह से खोखला कर दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया, अभी आप चलिए सर छोड़िए, ये तो मणिपुर का कांड है, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए दिलकस बानो, रेपिस्ट को आप माला पहना के वेलकम कर रहे हैं, आप बताइए बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट नेता है, जितने भी रेपिस्ट है, अभी ये जो हमारे जो जो हमारे चैंपियंस बैठे हुए थे सर स्ट्राइक पे, ठीक है, ब्रिजमोहन जी को, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया सर, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है, बल्कि कैमरा के सामने डंके की चोट में बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, किसके दम पे बोलते हैं सर। लेकिन प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त के दिन जो है कहते हैं कि नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? नारी शक्ति नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है सर, मनीषा कांड को नारी सम्मान नारी शक्ति कहाँ गई, बलात्कारियों को रेपिस्ट को माला पहनाने में नारी, सर बोलने में और करने में अंतर है, हाँ उनकी जबान भले फिसल गई होगी सर, बेटी पटाओ बेटी बचाओ का नारा वही का है सर, और बेटी बताओ बेटी बचाओ वही कर रहे हैं सर, आज इसकी जितनी भी भ्रष्ट नेता है आज इसकी मैं कहाँ इसमें जानी सर, मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे निर्भया कांड में तो चूड़ी बेच रही थी सर, आप बोल रहे थे वो मनमोहन सिंह को जाकर चूड़ी पहन लेना चाहिए, तो आज इतना बड़ा कांड हो गया, उसके पति जी ने बोला कि मुझे शर्म है कि मैं अपने देश को बचाने निकला हूँ लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया सर, कितनी शर्म की बात है, उसने बोला उसके पिताजी सैनिक में है सर, उसको कितनी शर्म आई होगी कि मैंने अपनी बेटी को नहीं बचा पाया सर, आप ये बताइए देश की रक्षा